Okay, so we were studying the types of root. The first type of root is tap root. In that, we have one main root and other lateral roots are grown on side of this main root. So this we have studied. In fibrous root, there are number of thin fibers like roots that arising from the base of the stem. है ना, यहाँ आप ये जो भी पार्ट आपको शो हो रहा है, that part is under the ground, beneath the ground. This part is there. जो root वाला पार्ट होता है वो कहाँ होता है? वो ground के अंदर होता है. ठीक. और ये जो fibrous roots हैं, ये कैसे start होती है? जैसे आप यहाँ से ऊपर आपका stem होगा, ठीक है? If this is the soil part, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? इसके ऊपर वाला पार्ट आपका stem part होगा. ठीक है, तो फाइबरस रूट कैसे ग्रो होती है? फाइबरस रूट जहां पे स्टेम खत्म होती है सॉइल के ऊपर, वहीं से ग्रो होना शुरू जाती है और इस तरह से स्प्रेड होती है. ठीक है, अनलाइक द टैप रूट. टैप रूट में आपको एक पतली सी मेन रूट दिखेगी, उसके अलोंग आपको लेटरल रूट दिखाई देंगी. बट इन फाइबरस रूट यू विल सी दैट देयर इज नो मेन रूट. ठीक है, आप जैसे सॉइल के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे देयर इज नो मेन रूट, बल्कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, चारों तरफ फैला हुआ एक स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ रूट. टैप रूट और फाइबरस रूट में क्या डिफरेंस होगा? द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड द फाइबरस रूट इज दैट द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइबरस रूट इज दैट जो टैप रूट होते हैं, इट ग्रोज एक पतली सी रूट, उसके अलोंग लैटरल रूट. बट इन फाइबरस रूट यू विल सी दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर, द रूट्स आर स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टैप रूट एंड अ फाइबरस रूट. इन फाइबरस रूट इन टैप रूट यू विल सी अ मेन रूट. ठीक है, एंड अलोंग दैट यू विल सी लेटरल रूट. लेटरल लिटरली मींस साइड. ठीक है, मेन रूट की साइड में आपको छोटी छोटी और रूट्स दिखाई देंगी. इन केस ऑफ फाइबरस रूट ये जो सॉइल है हमारी, ठीक है, दैट दिस लाइन इज इट अ डीज मेटर सेल्फ. जी, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज दी सॉइल. और सॉइल के नीचे ही तुरंत ये सारी जो रूट्स है, इट स्टार्टेड ग्रोइंग. ठीक है, नाउ अब एग्जांपल्स क्या होते हैं टैप रूट और फाइबरस रूट के? कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स जैसी होती है, और कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स है वो फाइबरस होती है? दिस यू विल सी. वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट इन व्हिच देयर इज अ टैप रूट एंड देयर इज अ फाइबरस रूट. तो टैप रूट वाले जो प्लांट हैं उनके एग्जांपल्स इज टी, तुलसी. ठीक है, आप सबसे पहले अपने घर में तुलसी का प्लांट सबके घर में यूजुअली होगा, तो आप जब उसको देखोगे डोंट ब्रेक दैट प्लांट. ठीक है, बस जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन आप देखोगे जो तुलसी होती है उसकी जो रूट्स होती है वो एक टैप रूट के फॉर्म में होती है. जैसे एक मेन रूट होगी उसके साथ में यू विल सी द लेटरल रूट. ठीक है, द रूट ऑफ तुलसी इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टैप रूट. अनदर एग्जाम्पल इज टी प्लांट, जो मटर का प्लांट होता है वो भी ऐसा होता है. कैरेट और रेडिश, ये यूजुअली सबने देखा ही होगा, कैरेट भी देखा होगा और रेडिश भी देखा होगा. द रूट्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश आर इन फॉर्म ऑफ टैप रूट. जो उनकी रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है. जब भी कैरेट इज योर गाजर एंड रेडिश इज योर मूली. ठीक है, तो मूली और गाजर की रूट्स कैसे दिखेंगी? वो आपको एक टैप रूट की फॉर्म में दिखेगी. कैसे? उसमें एक मेन रूट होगी और साइड में दे विल हैव अ लेटरल रूट. So example of the plants which have tap root is tulsi, carrot and radish. There are many more plants. ठीक है, शलगम आपने सुना होगा, turnip. Turnip is an also example of tap root. Peter, write these example in your book. The I will ask these questions in the exam also. The examples should be there. And those who is making this noise, kindly mute it yourself. So example of tap root is tulsi, carrot, radish and turnip. Okay. In the same manner, the example of fibrous root is roots of
maize, wheat, barley. पहला एग्जाम्पल इज बीट गेहूं, देन यू हैव मेज, ठीक है, पैडी, ये सारे जो भी ग्रो होते हैं अपने फील्ड में, दे हैव अ फाइबरस रूट, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव अ फाइबर लाइक रूट्स, दैट इज मेज, पैडी, बार्ली, दीज ऑल द एग्जाम्पल, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ plants having fibrous root. Okay, so the plants which have taproot is tulsi, carrot, radish and turnip, and the plants which have fibrous roots are known as wheat, maize, paddy and barley. So you in your book write down the examples just now. Okay, aapki book mein just write an example right now, and in the exam whenever I will give you ask you to write the example, you have, you can name this, name the example from here. ठीक है, so this we have studied, that what are how many kinds of roots we have and what is the difference between taproot and fibrous root. Keep in mind the diagram also, the diagram है वो भी बहुत clear होना चाहिए with labeling. जैसे मैंने आपके main root और lateral roots को label किया है, in the same manner you have to also label that. ठीक है, so this we have studied, that ये आपको दिख रही है taproot and this is the fibrous root. This is the two types of roots which we have in the plant. ठीक, now separate the plants you have collected in two groups, in group A put those that have taproots and in group B that those that have fibrous root. So we have a table in front of us. इस table में हमें क्या करना है, दो type के plant लेने, ठीक है, आपको एक पहला प्लांट ऐसा लेना है विच इज हैविंग अ टैप्रूट, ओके, एंड इन सेकंड पार्ट यू हैव टू टेक दैट प्लांट विच इज हैविंग अ फाइबरस रूट. तो इस एक्टिविटी के इस टेबल में ऑन पेज, दिस टेबल इज ऑन पेज नंबर 59, इन दिस टेबल यू हैव टू टेक टू प्लांट्स, ओके, इन पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू टेक ऐसा प्लांट जिसकी टैप्रूट हो, और सेकंड पार्ट में आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसकी फाइबरस रूट हो, ओके. Now you have to observe the leaves of that of these two plants. Look at the leaves of the plants. Plants ki leaves ko observe karo. What you will see? What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B or A? Okay, aapko ye do plants lene hain. Plants ko initially humne unki roots ke basis pe chuna tha. Humne kaise choose kiya tha plant ko? Humne ye dekha tha. पहली कैटेगरी में आप उस प्लांट को रखोगे जिसकी टैप रूट होगी, दूसरी कैटेगरी में आप उस प्लांट को रखोगे जिसकी फाइबरस रूट होगी. हमने अपने प्लांट्स, वी हैव चूजन आवर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट्स, बट नाउ आफ्टर चूजिंग देम वी विल ऑब्जर्व देयर लीव्स. अब हम उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आप लीव्स में क्या विनेशन को ऑब्जर्व करोगे. विनेशन हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो तरह के विनेशन होते हैं जिनमें ऐसा जो वेन्स होती है प्लांट लीव्स में वो स्टैंड आउट पैरेलल ईच अदर, दे स्टैंड पैरेलल टू ईच अदर, देन दैट विनेशन इज नोन एज पैरेलल विनेशन, है ना, और जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से, इसको हम लोग कहते थे रेटिकुलेट विनेशन. सो दीस वर द टू टाइप्स ऑफ विनेशंस व्हिच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. ठीक है, तो अब आपने जो भी प्लांट्स, जो भी रूट्स देख के प्लांट को चुना है, अब आप उनकी विनेशन को ऑब्जर्व करो. विनेशन को ऑब्जर्व करोगे कैसे, तो व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन, डू यू नोटिस दैट लीफ विनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन प्लांट्स आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. जब आप प्लांट की विनेशन को और उसकी रूट्स को ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल सी दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द विनेशन ऑफ द लीफ एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट, द टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट, देयर इज अ कनेक्शन. कनेक्शन क्या है, वी विल सी इन टेबल 7.2. कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ विनेशन टाइप्स ऑफ रूट फ्रॉम फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन द एक्टिविटीज सो फार. ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल पहले केस में मैं एक टैप रूट की ले लेती हूं, एग्जांपल तुलसी. सेकंड केस में मैं वीट ले लेती हूं, है ना, मैंने हमने जो एक्टिविटी को करेंगे हम, तो मैंने पहला प्लांट ले लिया तुलसी का. तुलसी जो होती है इट हैज अ टैप रूट एंड वीट हैज अ फाइबरस रूट. ओके,
उसके बाद हमें इसके विनेशन को ऑब्जर्व करना था, तो तुलसी में वी हैव रेटिकुलेट विनेशन, तुलसी में वी हैव रेटिकुलेट विनेशन, जिनके घर में तुलसी लगी है गो एंड आफ्टर दिस क्लास गो एंड ऑब्जर्व द तुलसी प्लांट, ठीक है, आपको लीव में ऐसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर, ये आपका तुलसी लीव है, यू विल सी द विनेशन लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद बीट की लीव्स जो है वो आपको ऑब्जर्व करनी है, बीट की जो लीव होती है उसमें यू विल सी अ पैरेलल विनेशन, ठीक, बीट की लीव में यू विल सी अ पैरेलल विनेशन। अगर किसी ने देखा हो बाम वगैरह जो बीट के पत्ते होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनकी जो विनेशन होती है सीधी सीधी होती है, ठीक है। तो तुलसी इज व्हाट, तुलसी इज अ टैप रूट एंड बीट इज व्हाट, बीट इज अ fibrous root. From here we can conclude that the plants which have a reticulate venation, ठीक है, जिन plants में they have reticulate venation they have tap root. तो जिन plants की reticulate venation होती है they have tap root. And for those plants which have parallel venation they have fibrous root. आप इस activity को करोगे तो you will conclude this, ठीक है। So this is your conclusion for this activity. That plants which have a reticulate venation, जैसे for example I have taken तुलसी plant here, it has a tap root, and the plants which have a parallel venation, for example the wheat plant, it has a fibrous root. Okay, we have learned that root absorb water, minerals from the soil and stems conduct to these to the leaves and other parts of the plant. हमने ये जब रूट की बिगनिंग में देखा था कि जो रूट होते हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ द प्लांट, इट एक्ट एज एन एंकर फॉर द प्लांट, ठीक है, वो होल्ड करती है प्लांट को, रूट्स को, सॉरी प्लांट्स को सॉइल से, और जो भी हम वाटर और मिनरल्स कैसे प्लांट करते हैं, हम लोग रूट्स में पानी देते हैं ना, कोई भी लाके लीव्स पानी देने का तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है दैट यू हैव टू वाटर द प्लांट्स इन द रूट्स, जो भी हम वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं दैट गोज इन द सॉइल, ठीक है, सॉइल में जाता है, रूट उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर अब्सॉर्प्शन के बाद वो जितने भी सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, लाइक वी हैव लीव्स, वी हैव ब्रांचेस, वी हैव फ्रूट्स, वी हैव फ्लावर्स, ठीक है, इन सबको वो जो है वो ट्रांसफर करता है थ्रू स्टेम, ठीक है, और ये रूट से पानी और मिनरल पहुंचाने का काम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे कौन करता है, दैट वर्क इज डन बाय द स्टेम, इसीलिए हमने स्टेम को पाइपलाइन ऑफ द प्लांट कहा था, ओके। और हमने ये भी देखा था कि जो प्लांट का किचन होता है वो क्या होता है, द ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, जो भी प्रिपरेशन ऑफ फूड होती है दैट इज डन इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज द लीफ। नाउ द लीव्स प्रिपेयर द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, और ये जो फूड प्रिपेयर करता है लीव उसको अलग अलग पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, द पाइपलाइन ऑफ द प्लांट व्हिच इज नोन एज द स्टेम। वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपीकॉर्न, ठीक है, तो जो आप रूट जो कैरेट खाते हो, जो रेडिश खाते हो, जो स्वीट पोटैटो खाते हो, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज दैट, दैट पार्ट इज द रूट, ठीक है, जो भी हमने जब स्टेम पे पढ़ा था तो पोटैटो को हमने देखा था, तो एडिबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट इज द स्टेम, सिमिलरली द एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड ट्रापिका इज द रूट पार्ट, ठीक है, इनका रूट पार्ट जो खाती हो, द एडिबल पार्ट जो खाने वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द रूट पार्ट। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, हम हमेशा प्लांट का वो वाला पार्ट खाते हैं जहां पे फूड उसका स्टोर होता है, ठीक। नाउ डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट व्हिच कम्स डाउन इन द स्टेम, जो भी आप जो स्टेम्स आप देखते हो प्लांट में वो एक ट्रैफिक का काम करते हैं, ट्रैफिक का काम करते हैं का मतलब वो हम उस पर जो भी वाटर और मिनरल्स प्लांट को देते हैं, वो जो हम चीज उसमें प्रोवाइड करते हैं वो इन्हीं के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है ना, इसलिए हम उसको ट्रैफिक कहते हैं या पाइपलाइन कह सकते हैं। तो आपको ये चीजें बतानी कि कौन सी चीजें जो है, राइट द नेम ऑफ मटीरियल दैट गोज अप इन द स्टेम, स्टेम में ऊपर कौन सा मटीरियल जाता है और नीचे कौन सा मटीरियल आता है दैट यू हैव टू नेम, ठीक। तो स्टेम में जो
मटेरियल ऊपर जाता है दैट इज द वाटर एंड द मिनरल्स, नीचे से ऊपर जाता है ठीक है। रूट्स पे आप वाटर और मिनरल्स डालते हो, वो पार्ट जो है स्टेम ऊपर लेके जाता है टू द लीव्स जहां पे वो यूज करता है उस चीजों को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स ने खाना बनाया, जो स्टेम है उसको नीचे लाता है एंड प्रोवाइड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज डन बाय द स्टेम, वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले जाना एंड द फूड व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इट कम्स इट टेक इट टेक इट्स टेक दैट फूड डाउन ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम। In the next section, we will study the most beautiful part of the plant, that is the flower, that the most attractive part of the plant. ठीक है, आप किसी भी plant के leaves को देख के नहीं बता पाओगे usually कि ये किस plant का है, उसके stem को देख के भी identify नहीं कर पाओगे। लेकिन the moment you see the flower of that plant, you can easily identify कि ये flower किस plant का है। ठीक है, तो flower is the most beautiful, the most attractive part of the plant, and about that we will study in our next class. Thank you, everyone.